हेलो एंड वेलकम टू ऑल टू दिस चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आम लास्ट वीडियो रे ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल चैप्टर रो एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन करथिले। ए वीडियो रे तुम्हारा फास्ट प्रोज ए लेटर टू गॉड डिस्कशन करबा एमसीक्यू बा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मोट उपर 108 क्वेश्चन अच्छे, सो एटा पार्ट वन एथर आम 54 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कशन करबा। नेक्स्ट वीडियो रे आम रेस्ट डिस्कशन करिबा, ठीक अच्छे। तुम जदि ए लेटर टू गॉड चैप्टर रो वीडियो देखिनो ताल डिस्क्रिप्शन रे सबु वीडियो रो लिंक दिया है छि। या व्यतीत तुम्हें उपरे आई बटन उपरे क्लिक करके मध्य ए लेटर टू गॉड रो किछि वीडियो देखि परिबो, ठीक अच्छे। स्टार्ट करिबा, स्टार्ट करे पूर्वरु मोर समस्त रिक्वेस्ट, चैनल को फर्स्ट टाइम पे आसी छ तो सब्सक्राइब कर, पाखर थिबा बेल आइकन को प्रेस कर, वीडियो को लास्ट पर्यंत देखि लाइक कमेंट आउ शेयर कर। ओके, स्टार्ट करिबा, समस्ते मन दे शुणिबा एवं ऑप्शन मध्ये मु पढ़ूची, से ऑप्शन पढ़ीबा समय रे तुम्हें आंसर मध्ये गेस करिबो, आंसर मध्ये हमें डिस्कशन करिबा, ठीक अछि। स्टार्ट करिबा, आर यू ऑल रेडी? ओके, लेट्स स्टार्ट। ए लेटर टू गॉड इज रिटन बाय टैस। ए सी एफ अलेक्जेंडर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जे एल फ्वेंटिस, डी लॉर्ड यूस्टिस पर्सी। सो आंसर गेस कर। यस, आंसर होची सी जे एल फ्वेंटिस। नंबर टू, इन द एंटायर वैली दे आर डैश। ऑप्शन ए वाज नो हाउस, ऑप्शन बी वाज ओनली लेंचोस हाउस, ऑप्शन सी वे आर सेवरल हाउसेस, ऑप्शन डी वे आर ए लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस। आंसर होची ऑप्शन बी, वेरी गुड, वाज ओनली लेंचोस हाउस। जो क्वेश्चन बुझियो नी मते कमेंट बॉक्स रे लिखिबो। ओके, नेक्स्ट नंबर थ्री, लेंचोस हाउस वाज डैश ए हिल। ए इन द मिडिल ऑफ, बी आट द टॉप ऑफ, सी आट द बॉटम ऑफ, डी बिसाइड। सो आंसर होची ऑप्शन बी आट द टॉप ऑफ, बुझी। नंबर फोर, व्हाट प्रमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट। ए द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, बी द वैली, सी द लो हिल, डी द रिवर। सो नंबर फोर रो आंसर होची ऑप्शन ए, द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न प्रमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, ऑप्शन ए। नंबर फाइव, व्हाट वाज द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। ए डाउनपोर, बी सोअर, सी बोथ ए डाउनपोर एंड ए सोअर, डी ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोअर। ऑप्शन होची डी ए डाउनपोर और एटलीस्ट ए सोअर। ओके, नंबर सिक्स, व्हिच डायरेक्शन डिड लेंचो लुक आट एक्सपेक्टिंग रेन। ए साउथ ईस्ट, बी नॉर्थ ईस्ट, सी साउथ वेस्ट, डी नॉर्थ वेस्ट। सो आंसर होची ऑप्शन बी नॉर्थ ईस्ट। ओके, नंबर सेवेन, लेंचो कुड नॉट डू एनीथिंग थ्रू आउट द मॉर्निंग बिकॉज डैस। लेंचो कुड नॉट डू एनीथिंग थ्रू आउट द मॉर्निंग बिकॉज डैस। ए ही वॉज सीक, बी देर वॉज नथिंग टू डू, सी He knew his fields intimately, D he eagerly waited for the rains. Answer hochi option D, he eagerly waited for the rains. Eagerly mane ichhar sahita. Okay, number 8, now we are really going to get some water. Who said this? Now we are really going to get some water le ke koithile? A Lencho, B Lencho's wife, C Lencho's son, D none of them. ओके, सो नंबर एट रो आंसर होची ए लेंचो, बुझी। मैं ऑप्शन एट पे पढ़ू कि तुम्हें शुणी पार, ठीक अच्छे, शुणी तुम्हें डिस्कशन पार्टिसिपेट कर जहाँकि तुम मन रहा। ओके, नंबर नाइन, हु आर वर्किंग इन द फील्ड्स व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कौ मैंने काम करते बिल में जितने वर्षा आरंभ है। ए द यंगर बॉयज, बी द ओल्डर बॉयज, सी बोथ द यंगर एंड ओल्डर बॉयज, डी लेंचो एंड हिज वाइफ। सो आंसर हम ऑप्शन बी। ओके, द ओल्डर बॉयज आम पढ़ीचे बहिरे, ठीक अच्छे। नंबर टेन, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगान टू फॉल व्हेन लेंचोस फैमिली मेंबर्स वे आर हैविंग डैश। ए ब्रेकफास्ट, बी लंच, सी सपर, डी डिनर। सो आंसर हम ऑप्शन डी डिनर। ओके, बहि पढ़ी जाए, टेक्स्ट बुक देखिपर जब डाउट रोच। नंबर इलेवेन, हु प्रेडिक्टेड हेवी रेन्स। किए पूर्वानुमान करते? लेंचो, हिज वाइफ, हिज सन, हिज डॉटर। आंसर होची लेंचो।
Number 12. In reply to Lencho's prediction of rain, his wife said, dash. A. God bless you. B. May God save you. C. God is almighty. D. Yes, God willing. So answer above. Option D. Yes, God willing. Bhagwan ko ichha boli koi thile. Lencho's wife. Okay. Number 13. What could be seen approaching in the northeast? A. Heavy rain. B. Hailstorm. C. Black cloud. D. Huge mountains of cloud. Answer is option D. Huge mountains of cloud could be seen approaching in the northeast. Okay. Number 14. What was fresh and sweet when it began to rain? Number 14. Answer. Kaun guess kar pila mane? Option A huchi the land. Option B the cornfield. Option C the air. Option D the cloud. Kaun hava? Yes. The air was fresh and sweet. Option C. Number 15. When big drops of rain began to fall, Lencho went out to dash. A. See if it was raining. B. Have a bath in the rainy water. C. Have the pleasure of feeling the rain on his body. D. See if the raindrops were big. So answer above option C. Important question. Have the pleasure of feeling the rain on his body. Number 16. What made Lencho exclaim that the raindrops were new coins? Option chatter ko dekhutao. Option A achi, they were really coins. B, they looked like coins. C, they were shaped like coins. Option D, they were as precious as coins. So answer above number D, they were as precious as coins. Precious means valuable, pamulyavan. Okay. Number 17. What according to Lencho were 10 cent coins? What according to Lencho were 10 cent coins? A. Raindrops. B. Big raindrops. C. Little raindrops. D. All the raindrops. Okay, so answer above option B. Big raindrops. Bujhu samastha karo. Next, number 18. Ame dekhiwa. With a satisfied expression, Lencho regarded the field of ripe corn with its flowers. Yes. A. Draped in a cotton of rain. B. Filled with rainy water. C. Covered with salt. D. Soaked in the cool breeze. So answer above option A. Draped in a cotton of rain. Okay. Number 19. What truly resembled silver coins? What truly resembled silver coins? Option A. Raindrops. B. Big raindrops. C. Little raindrops. D. Hailstones. So answer above D. Hence hailstones. Okay. Bujhuchi hailstones ta resemble jana puduthala silver coin bully. Number 20. The boys ran out to collect the frozen pearls. What does frozen pearls refer to here? Frozen pearl ra artha kon? A. Raindrops. B. The silver coins. C. The hailstones. D. The pearls. Answer above C. The hailstones. Okay. 21. It is really getting bad now. Who said this? It is really getting bad now. Who said this? Ki koithile? Lencho. Lencho's wife. The older boys. The younger boys. Answer kon hobo? Guess karo. Yes. Answer hobo Lencho. Okay. 22. How long did the hailstorm continue? A. For 3 hours. B. For 2 hours. C. For 1 hour. D. For a long time. So answer above. For 1 hour. Okay. Then 23. Where did the hail rain on? Where did the hail rain on? A. The house. B. The garden. C. The cornfield. D. All the above. So answer above. All the above. Bahira me padiche. Dekhi pariba. Okay. All the above. Sabbu pare padila. Hail. Pakua patra. 24. The field was white as if covered with dust. A. Ice. B. Salt. C. Snow. D. Frost. So answer above salt. Very simple important question. As if covered with salt. The storm filled Lencho's soul with dust. The storm filled Lencho's soul with dust. Anger, sadness, prostration, excitement. Answer above sadness. 26. Lencho's soul was filled with sadness because dash. A. The corn was totally destroyed.
B. The flowers were gone from the plants. C. The hail had left nothing. D. All the above. Answer होची all the above. बुझे मैंने उपरोक्त तीनों जाको. 27. Lencho stood in the middle of the field faint dash. A. He hoped the storm would pass quickly. B. The storm had passed. C. The hail rained for an hour. D. The hailstorm did not pass quickly. Answer होची option B. The storm had passed. ठीक अच्छी. Then 28. A plague of locust would have left more than this. What does this expression mean? A. They would have destroyed everything. से समाने सब कुछ नष्ट कर दी थी. B. They would have destroyed nothing. समाने किसी भी क्षति कर न थी. C. They would have destroyed less. समाने कम क्षति कर थी. D. They would have destroyed more. समाने अधिक क्षति कर थी. ते माने होची दे उड हैव डिस्ट्रॉयड लेस यदि लोकस्ट थांते पंगपाल भली कीट थांते अल्प क्षति करथांते किंतु हेल डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग सब कुछ नष्ट कर दितला. ओके नंबर 29. सो 28 रो आंसर हम जानले सी दे उड हैव डिस्ट्रॉयड लेस. ओके 29. व्हाट डज नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज मीन अर्थ कोन समस्त देखो ऑप्शन ए अछि द ट्रीज हैड नो लीव्स. B. The trees had a lot of leaves. C. The trees had a few leaves. D. The trees lost all their leaves. So option हमें भला भरे पढ़ी बा जानी पढ़ी बा जो option है वो answer है वो option D. The trees lost all their leaves. सबू पत्र गोचरो झड़ जाए इतना. Number 30. Lencho said that they would have no corn that year because of dash. A. Less rain. B. Heavy rain. C. Hailstorm. D. Locusts. So answer है वो C. Hailstorm. Okay. 31. All our work for nothing. What does this statement mean? Er artha kon? All our work for nothing. E statement ro mane kon? A. Their hard work turned fruitless. B. They worked hard unnecessarily. C. They should not have worked hard. D. They worked for nothing. So answer abo A. Their hard work turned fruitless. Tankar kotna parishrama phala hi nathila. 32. Which of the following statements did not occur in the conversation among the members of Lencho's family? Ko statement ti Lencho's family katha batta hoi nathile. Okay. A. All work for nothing. B. There is no one who can help us. C. We'll all go hungry this year. D. Not leaf remained on the tree. So answer above option D. Not a leaf remained on the trees. Eta kotha hi nathile baki sob kotha hi thile. Okay. 33. Lencho's family hoped help from Tess. Very simple. The king, God, their relatives, their neighbors. So answer above God. Very simple. Samastu ka asibo important question also. 34. Lencho told his family to remember that Tess. A. They would all go hungry that year. B. All their work was for nothing. C. There was no one to help them. D. No one dies of hunger. Answer is option D. No one dies of hunger. Remember, Mondo Kepin, Lenchota Parivar Koitli. Karana, no one dies of hunger. Option D. 35. According to Lencho, God's eyes see dash. A. Everything. B. Nothing. C. Something. D. Anything. So answer very simple. समस्तुंगा आसीबो आंसर होची ऑप्शन ए एवरीथिंग. ओके तापर 36 हम देखिबा लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन मींस डस आर अर्थ कोन लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन. ए ही लुक्ड लाइक एन ऑक्स. बी ही हैड द हेड ऑफ एन ऑक्स. सी ही वाज वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. बी ही वाज वेरी सिंपल like an ox. Answer is option C. He was working like an animal in the fields. Okay. 37. God sees everything, even what is deep in one's chest. A. Conscience. B. Mind. C. Heart. D. Thought. So answer is option A. Okay. Conscience. Bujhe ho jana pila mane video helpful ki nahi nichit bhabare mote comment karibo. एंड बारंबार ये वीडियो को सुनो देखो निश्चित भाव में
एमसीक्यू रे बहुत भल नंबर रखिबो एंड तुम्हें जानी थाओ एलेटर टू गॉड रु तुम चारि मार्क एमसीक्यू आसिबो। ओके टेक्सचुअल क्वेश्चन 38 आफ्टर द स्टॉर्म हार्ड पास्ट लेंचो रोट ए लेटर टू गॉड डैश ए द नेक्स्ट डे द फॉलोइंग संडे ऑन ए संडे आंसर होची द फॉलोइंग डे। ओके ऑप्शन बी 39 लेंचो रोट द लेटर टू गॉड द फॉलोइंग संडे आट डैश ठीक अच्छे एटा आंसर हबो 38 रो द फॉलोइंग संडे। ओके ऑप्शन सी सो 39 देखिबा लेंचो रोट द लेटर टू गॉड द फॉलोइंग संडे आट डैश ए डे ब्रेक बी नून सी मिडनाइट डी डस्क सो आंसर हबो डे ब्रेक ऑप्शन ए। 40 हु प्लेस द लेटर इन द मेल ए लेंचो हिमसेल्फ बी हिज वाइफ सी हिज सन डी हिज नेबर आंसर होछ ऑप्शन ए लेंचो हिमसेल्फ। हाउ मेनी पेसोज डीड लेंचो नीड फ्रॉम गॉड ए 70 बी 30 सी 100 डी 1000 आंसर होछ ऑप्शन सी 100। ओके 42 लेंचो रिक्वेस्टेड गॉड टू हेल्प हिम सो दैट डैश ए ही वुड फीड हिज फैमिली बी ही वुड सो हिज फील्ड अगेन सी ही वुड लीव अंटिल द क्रॉप कम्स डी ऑल द एबव सो आंसर होछ ऑप्शन डी ऑल द एबव। ओके 43 व्हाट डिड लेंचो राइट ऑन द एनवलप एनवलप लेंचो कौन लिखिला ए गॉड बी टू गॉड सी द गॉड डी टू द गॉड सो आंसर होछ ऑप्शन बी टू गॉड। ओके नंबर 44 आफ्टर राइटिंग गॉड्स एड्रेस ऑन द एनवलप लेंचो पुट द लेटर इनसाइड एंड went out to town here inside refers to dash a lencho sharp pocket b the mailbox c the post office d the envelope so answer of option d the envelope। okay 45 while going to the town lencho was still dash while going to the town lencho was still dash a unhappy b troubled c hopeful d hopeless so answer of b ट्रबल्ड। ओके 45 कंप्लीट 46 देखिबा हु रेड द लेटर फर्स्ट ए द पोस्टमास्टर बी द पोस्टमैन सी गॉड डी नॉन ऑफ देम सो आंसर हबो बी द पोस्टमैन। 47 द पोस्टमैन लाफ्ड हार्टिली बिकॉज डैश ए द लेटर वाज एड्रेस टू गॉड बी ही हैड नेवर नोन दैट एड्रेस सी Nobody ever sends letters to God. D. All the above. So answer of option B. He had never known that address. Okay. 48. Who was a fat, amiable fellow? A. Lencho. B. Lencho's son. C. The postman. Sorry. C. The postmaster. D. The postman. So answer of C. The postmaster was a fat, amiable fellow. 49. The postmaster commented on Lencho's dash. A. Ignorance. B. Foolishness. C. Faith in God. D. Faith in postal employees. C. Faith in God. Which answer? Okay. Number 50. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Who said this? Ita kiye koithile? Tumi display par dekhi parucho. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. Who said this? A. The postmaster. B. The postman. C. God. D. None of them. So answer above A. The postmaster. 51. The postmaster broke out laughing, but almost immediately he dashed. A. Became angry. B. Turned serious. C. Remained silent. D. Forgot the matter. Okay. So answer above option B. Turned serious. Okay. Immediately he turned serious. 52. The postmaster wanted to write a letter to Lencho Das. A. To appreciate his idea about God. B. To disapprove his idea about God. C. To expose his foolishness and ignorance. D. Not to shake his faith in God. So answer above option D. Bhagavan Matharta Biswasku na bhangiba pai. Not to shake his faith in God.
53. The postmaster had come up with an idea to answer Lencho's letter. Yes. A. After he opened it. B. After he read it. C. Before he opened it. D. Before he read it. So answer above option C. Before he opened it. Chitti kholiya purbaru se mano sthira karithile je Lencho's letter ra answer debe. Okay. 54. To answer Lencho's letter, the postmaster needed dash. A. Goodwill. B. Ink and paper. C. Goodwill, ink and paper. D. Something more than a goodwill, ink and paper. So answer above option D. Something more than a goodwill, ink and paper. So pila mane 54 questions ame discussion kale. Next 55 through 108. आउ 54 क्वेश्चन आम नेक्स्ट वीडियो रे डिस्कशन करवा पार्ट टू रे इलेक्ट्रो टू गड्र जिते वीडियो अच्छी तुम समस्त देखनी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया वीडियो केमती लगे निश्चय कमेंट कर निश्चित भाव में तुम सांग सहित सेयार करा भूलना कारण से किसी जापर ये वीडियो शिखिपर 54 क्वेश्चन आम डिस्कशन कले यही क्वेश्चन निश्चित भाव में तुम एग्जाम आसव तुम्हें OMR सीट रे सर्कल कर ओके वीडियो को शेष पर्यटन देखते बहुत बहुत धन्यवाद ओके थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो गॉड ब्लेस यू कीप वाचिंग माय चैनल टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो जो मैंने नया कर सब्सक्राइब करनियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो विथ योर फ्रेंड्स थैंक यू एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।